प्रतिभा का सम्मान करता हूँ। मेरे प्रतिभा संपन्न वक्तव्यों को लोग सुने। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। मित्रों, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज और उनके गुरुदेव भगवान जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के बीच में कितना मधुर संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, ये बात हम सभी को पता ही है। लेकिन आप सभी में से बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता होगा कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज और उनके परम प्रिय शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बीच में किसी एक बात को लेकर के आज तक अनबन रहती है, खटास रहती है। वैसे तो एक दूसरे के वो हमेशा समर्थन करते रहते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज तो अपने गुरुदेव भगवान को किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं, प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं उनके। और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के गुरुदेव भगवान हर समय अपने प्रिय शिष्य का समर्थन करते रहते हैं, फिर भी दोनों के बीच में एक बात को लेकर के खटास रहती है। किस बात पे खटास रहती है, आज की इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज का मुलाकात कब होता है और कैसे गुरु शिष्य का नाता बनता है। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज सन 1987 में जब वो चित्रकूट में रहा करते थे और उसी समय वो तुलसी पीठाधीश्वर बने थे, उसी समय में सेतुलाल गर्ग जी महाराज जो कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के दादा गुरु जी महाराज हैं, वो अक्सर वो चित्रकूट में आया जाया करते रहते थे। तो वहीं पे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज से उनकी मैत्री भाव होती है, यानी सेतुलाल गर्ग जी महाराज से मैत्री भाव होती है। सेतुलाल गर्ग जी महाराज अक्सर राम भद्राचार्य जी महाराज से साक्षात्कार करते रहते थे। आगे चल करके जब धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज प्रकट होते हैं उनके घर में, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को भी सन 2010 में वो लेकर के जाते हैं चित्रकूट और वहाँ पे राम भद्राचार्य जी महाराज से उनको गुरु दीक्षा दिलवाते हैं। यहीं से गुरु शिष्य का नाता तैयार होता है राम भद्राचार्य जी महाराज का। गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को हमेशा अच्छी अच्छी सीख देते थे, क्या करना चाहिए भविष्य में, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी सलाह दिया करते थे। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा, आगे जाकर के सन 2011 में सेतुलाल गर्ग जी महाराज का निधन हो जाता है। उसके बाद में 2015 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन किया जाता है और उसके बाद में वहाँ पे दिव्य दरबार का कार्य शुरू किया जाता है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जब दिव्य दरबार लगाना शुरू किए, प्रेत दरबार लगाना शुरू किए, उस समय एक बार धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के गुरुदेव भगवान वहाँ पे पधारे। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जब वहाँ पे पधारे तो उन्होंने देखा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वहाँ पे कर रहे थे, उस कार्य को देख करके नाखुश होते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र, जो तुम कर रहे हो इससे भविष्य में तुम्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी आलोचनाएं भी होंगी, तरह तरह के जो है डेबिट्स होंगे, तरह तरह के बातें आएंगी, इसलिए ये कार्य मत करो। करते क्या थे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, करते थे कि प्रेत दरबार लगाते थे, भूत प्रेत टोना टोटका दूर करते थे और लोगों की पर्चियाँ बनाते थे। इन चीज़ों को लेकर के जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज उन्हें सलाह दी है कि मतलब तुम ये सारे काम मत करो क्योंकि इसमें आलोचनात्मक बातें आएंगी सामने, और वैसा होता भी है भविष्य में। आपने देखा श्याम मानव का आरोप है, कहीं मीडिया वालों का आरोप है कि तुम जो है लोगों में अंधश्रद्धा फैला रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो, चमत्कार कर रहे हो, तो इन चीज़ों का आलोचना भी हुआ समय के साथ में। तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को उन्होंने सलाह दिया था कि ये सारी चीज़ें मत करो, तुम कथा करो, कथा करो, जैसे मैं कथाएं करता हूँ, भागवत पुराण का कथा करो, कोई भी कथाएं करो, लेकिन भजन करो, कथा करो, ये सारी चीज़ें करो, लेकिन इस चीज़ों में मत पढ़ो, यानी कि प्रेत दरबार मत लगाओ, टोना टोटका के चक्कर में मत पढ़ो, इन चीज़ों के चक्कर में पढ़ो, आगे जाकर करके तुम्हें काफ़ी समस्याएं भी होंगी इससे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने हाथ जोड़ते हुए क्षमा याचना की कि गुरुदेव भगवान मुझे ये चीज़ करने दो, तो उन्होंने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, आप सभी को पता है कि 2019 से पहले के जितने वीडियोज़ हैं, हालांकि उनके चैनल पर उतने वीडियोज़ नहीं मिलेंगे, मेरा एक पुराना चैनल था जिसमें आपने देखा होगा कि प्रत्येक दरबार में, यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कथाएं, आज कथाएं कहते हैं, वो रामचरित मानस का पाठ करते हैं, आज सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आज भजन प्रोग्राम करते हैं, आज वो दिव्य दरबार के साथ में ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन तब गुरुदेव भगवान कथाएं नहीं किया करते थे, नहीं कथाएं नहीं किया करते थे, केवल एक ही चीज़ किया करते थे, दिव्य दरबार लगाए करते थे, प्रेत दरबार लगाए करते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान किया करते थे, पर्चियां बनाया करते थे। लेकिन उन्हें कथाएं करते हुए आपने कहीं नहीं देखा होगा पुराने वीडियो में, वो ये सारी चीज़ें नहीं, हालांकि उन्होंने कन्या विवाह 2020 से ही शुरू कर दिया था, लेकिन ये सारी चीज़ें वो नहीं किया करते थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को बाद में रियलाइज होता है कि मुझे गुरुदेव भगवान की बातें मानना चाहिए, तो 2019 के बाद से वो कथाएं करना शुरू कर दिए कंटिन्यू, लेकिन कथाएं पहले नहीं किया करते थे। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हर जगह समर्थन करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे चमत्कार में कभी समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के कई बयानों में आपने देखा होगा कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि नहीं नहीं, वो लड़का अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं चमत्कार नहीं मानता हूँ। और लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं,
पर मित्र मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, मैं केवल शास्त्र में विश्वास करता हूँ। यानी कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज आज भी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का हर तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन चमत्कार के वाली यहाँ बात आती है या इस तरह की जो पर्चियाँ भर्चियाँ इन चीज़ों की बातें आती हैं तो गुरुदेव महाराज वहाँ पे पल्ला झाड़ लेते हैं, यानी कि कहते हैं कि मैं उनका समर्थन नहीं करता। मेरा वक्तव्य देखो ध्यान से सुनिए, मैं तो कहा करता हूँ कि मैंने कभी चमत्कार को नमस्कार नहीं किया, प्रतिभा का सम्मान करता हूँ। बस यही कुछ बातें थी जिसके वजह से रामभद्राचार्य जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बीच में थोड़ी सी अनबन किसी न किसी बात को लेकर के रहती है। हालांकि वैसे एक दूसरे के वो पूरक हैं, एक दूसरे के काफ़ी समर्थन करते हैं, काफ़ी इज्जत करते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उनके परम प्रिय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए आप सभी का क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।